हेलो गाइस, आज का वीडियो इंची टेप के बारे में होने वाला है और इसमें सीखेंगे एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक इंच में कितने सूत होते हैं, एक इंच में कितने चूल होते हैं, कितने इंच को एक फुट बोलते हैं और यार्ड क्या होता है। साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि इंची और सेंटीमीटर में क्या संबंध होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे अंक दर्शाया जा रहा है ये अंक इंच को दर्शाते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इंच, दो इंच, तीन, चार, पाँच, छः। और ध्यान दीजिएगा, इस इंच को भी कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। इस इंच को टोटल आठ भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? तो आठ भागों में। ध्यान दीजिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। अगर यहाँ से यहाँ तक एक इंच मानते हैं, इसको आठ भागों में डिवाइड किया गया है। इस आठ भाग को बोलते हैं हम लोग सूत। कुछ पॉइंट्स नोट भी करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने यहां देखा, वन इंच इज इक्वल टू एट सूत, एक इंच में आठ सूत होते हैं। और अगर इस सूत को भी डिवाइड करें तो यहां पे डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन डिवाइड करें तो एक सूत में, यानी वन सूत इज इक्वल टू एक सूत में आठ चूल होते हैं। आठ चूल, यानी वन सूत इज इक्वल टू एट चूल। इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि वन इंच इज इक्वल टू, चूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वन अठहत्तर चौसठ, यानी 64 चूल। एक इंच में 64 चूल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक इस तरीके से एक इंच, दो इंच, तीन इंच, चार इंच करते करते अगर 12 तक पहुंच जाएंगे, यानी 12 इंच, 12 इंच को बोलते हैं एक फुट। क्या बोलेंगे? एक फुट, यानी 12 इंच इज इक्वल टू वन फुट, एक फुट। ठीक ऐसे ही यदि हम लोग तीन फुट निकाल लेंगे, तीन फुट यानी 3 फीट बोलेंगे, इज इक्वल टू वन यार्ड। तीन फीट का एक यार्ड होता है। अब देखते हैं इंची और सेंटीमीटर में संबंध। इसके विपरीत साइड जो कलर वाला है, इधर कलर वाले पार्ट में जो छोटे छोटे अंक दिखाई दे रही है, सेंटीमीटर को दर्शाते हैं, सेंटीमीटर को दर्शाते हैं। दो अंकित है, दो के पहले एक है जो इस लोहे की वजह से थक गया है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सेंटीमीटर को बतलाता है। ध्यान दीजिए, 100 सेंटीमीटर। अगर इस तरीके से एक दो तीन करके 100 तक पहुंच जाएंगे, यहाँ पे 100 देखिए कहाँ दिया गया है, अगर 100 तक पहुंच जाएंगे तो इसको बोलेंगे 1 मीटर, 100 तक को बोलेंगे 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सेंटीमीटर और इंच के बीच क्या संबंध है इसको जाने तो जान समझते हैं। एक इंच में, एक इंच यानी वन इंच, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है।